आज का जो हमारा टॉपिक है क्या हम वायर कंपनी की मेलोडी डिओफीसाइट के साथ वायर कंपनी की सोलोम इंसेक्टीसाइड जो कि कॉन्टैक्ट और सिस्ट में कीटनाशक है तो क्या इन दोनों को आपस में मिक्स करके स्प्रे करें या फिर ना करें तो हमारे व्यूअर्स हमारे किसान भाइयों के द्वारा काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि क्या इन दोनों को मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं या फिर नहीं इनका काम करने का तरीका भी बताइए तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें मिक्सिंग टेस्टिंग करने वाले हैं वायर कंपनी की मेलोडियडियो फंगसाइट एक कॉन्टैक्ट और सिस्टम फंगिसाइट है जो कि लेट ब्लाइट और पाउडरी मिलड्यूट पर काफ़ी अच्छा काम करती है और इसमें जो कॉम्बिनेशन है इम्प्रोवेली कार्ब पाँच दशमलव पाँच परसेंट प्लस प्रॉपी नेब इकसठ दशमलव दो पाँच परसेंट जो कि डब्ल्यू पी यानी वेटिबल पाउडर फॉर्म में आती है और इसका जो डोज है पंद्रह लीटर पानी में आप तीस ग्राम से लेकर चालीस ग्राम तक आप प्रयोग कर सकते हैं तो ये तो थी वायर कंपनी की मेलोडीडियो फंगीसाइड की जानकारी अब थोड़ा सा जो सोलमन इंसेक्टिसाइड है यह कॉन्टैक्ट और सेट कीटनाशक है और यह इल्लियों के साथ साथ सकिंग पेस्ट की रोकथाम करने के लिए सेमी लूपर्स की रोकथाम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसका जो डोज है पंद्रह लीटर पानी में आप दस से बारह एम की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं तो हम सबसे पहले टेस्टिंग के लिए जो पानी हमने लिया है दो लीटर पानी लिया है इस पर हम सबसे पहले जो वायर कंपनी की सोलम इंसेक्टिसाइड आती है यानी इविडा क्लोरफ्रेट और वीटा साइफ्लोथरीन का कॉम्बिनेसन है तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं और जो भी डोज हम ले रहे हैं मेज़रमेंट के हिसाब से ही ले रहे हैं तो इसको भी हम ठीक तरीके से घोल देते हैं और इसको ठीक तरीके से हम मिक्स कर देते हैं अब हम इस पर एक जो फपोननाशक है इसको मिक्स करेंगे वायर कंपनी की मेलोडी डीओ फपोनाशक यानी एम्प्रोवेलिकार और प्रोपिनेप युक्त तो जो फपोनाशक आती है यह कॉन्टैक्ट और सिस्टम फपोनाशक है जो आलू की फसल पर टमाटर की फसल पर लेट ब्लाइट और ग्रेप्स यानी अंगूर की फसल पर डाउनी मिलड्यूट पर काफ़ी अच्छा काम करती है खीरा पर यह डाउनी मिलड्यूट की रोकथाम करती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डाउनी मिलड्यूट एकदम हंड्रेड आ चुका है तब काम करेगी यदि आप प्रिवेंटिव रूप पर मेलोडी डी ओ का प्रयोग करते हैं तो यकीन मानिए गारंटेड जानकारी मानिए कि तब काम प्रिवेंटिव पर काफ़ी अच्छा करेगी मेलोडी डी तो इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं और डोज हमने आपको बता दिया कि इसका जो डोज है पंद्रह लीटर पानी में जो डोज है तीस से चालीस ग्राम की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं तो इसको भी हम ठीक तरीके से मिक्स कर लेते हैं आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार वेटिबल पाउडर डब्लू पी फॉर्म में आती है तो इसको भी हम ठीक तरीके से मिक्स कर देते हैं और ठीक तरीके से इसको हम घोल देते हैं जैसे ही मतलब ये मिक्स हो जाएगी थोड़ा सा कैमरा हम पॉज करेंगे और थोड़ा देर बाद ओपन करेंगे और आपको रिज़ल्ट निष्कर्ष के साथ बताएंगे तो जी हाँ दोस्तों आप बायर कंपनी की मेलोडीडियो को और सोलमन इंसेक्टिसाइड को आपस में मिक्स करके अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं अब कौन कौन सी फसलों की बात करें तो मेलोडीडियो फंगीसाइड को आप उन्हीं फ़सलों पर स्प्रे करें जिसमें लेट ब्लाइट और डाउनिमिलड्यूट आता हो और सोलमन इंसेक्टिसाइड की बात करें तो यह शिकिंग पेस्ट रस चूसक कीटों की रोकथाम करने के लिए इल्लियों की रोकथाम करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें धन्यवाद